मेरे अब्बू फोत हो गए, उनका बहुत था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और इंशाल्लाह मैं उनका ख्वाब पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम मेहरान मुमताज़ है, मैं लेफ़्ट आर्म स्पिनर हूं, लेफ़्ट हैंड बैटर हूं। मेरा बेसिकली ताल्लुक कश्मीर फारुखकोटा से है, लेकिन मैंने अपनी सारी क्रिकेट रावलपिंडी में खेली है। जब मैंने 3 साल फास्ट बॉलिंग की तो उसमें मेरा मतलब कोई मुझे अपना कैरियर नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं एक क्लब था मुगल क्रिकेट क्लब, जिसमें मैं अभी खेलता हूँ, जिस मेरे जो कोच हैं सराफ़ी हाशमी। तो ऐसे ही रमज़ान में नेट हो रहा था तो मैं वैसे ही लेफ्ट आर्म स्पिन एक दिन बॉलिंग की तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट आर्म स्पिन करो, लेकिन तो मैं रोने स्टार्ट हो गया कि मैंने नहीं करनी। लेकिन जब मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन की एक महीना, उसके बाद ट्रायल थे, ट्रायल दी, अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ तो टॉप किया मैंने अंडर 16 में अपने रीजन से, तो फिर वहाँ से मैं लेफ्ट आर्म स्पिन में आ गया। मुश्किल तो होता है, मैंने 3 साल फास्ट बॉलिंग की हुई थी, छोटा था, मतलब मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुश्किल तो बहुत था। लेकिन स्टार्ट की तो मुझे इसमें कामयाबी मिली, हर साल मैंने मतलब अंडर 16 में 2 साल टॉप किया, 3 साल अंडर 19 में, तो मेरे लिए अब तो मतलब कि अच्छा है। पीसीबी ने जो पाथवे प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इससे हमें फाइनेंशियली सपोर्ट होगी और हम अपने आप को ग्रूम करके इंटरनेशनल लेवल पे आ सकते हैं। क्रिकेट में तो पैशन इस तरह है कि जब मतलब शुरू की थी तो मतलब मैं लाहौर भी आया इसके लिए खेलने के लिए क्रिकेट, अपने घर से दूर, और उस टाइम मैं सिर्फ 11 साल का था, 11-12 साल का, और अकेला लाहौर आया खेलने के लिए, 3 महीने खेला। लेकिन अब मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने आगे पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में सर्व करना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने घर वालों का नाम। मतलब मैं अपने पे सेल्फ बिलीव बहुत रखता हूँ। अभी मैं जब वर्ल्ड कप खेलने गया था तो एजाज़ भाई मेरे पे बहुत काम किया उन्होंने बैटिंग में, और इस पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बॉलिंग के साथ बैटिंग जो मेरे स्टार्ट की है, मतलब इनमें मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह क्योंकि मैं अपने आप के ऊपर बिलीव रखता हूँ और कॉन्फिडेंस रखता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, इंशाल्लाह करूँगा।